अमेरिकन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस जो उन्होंने दुनिया पे इम्पोज कर दी या सोशल मीडिया ने कर दी कि कामयाबी यही है, लाइफ स्टाइल ऑफ रिच एंड बोल्ड, रिच एंड फेमस, तो फिर उसके असरात तो यही होंगे, लोग ये भूल जाएंगे कि इन ये मरते कैसे हैं, रिच एंड फेमस जौन से होते हैं, कितनी तन्हाई में मरते हैं, कितनी इबरतनाक मौत मरते हैं, कितने अलूजन में मरते हैं। मिलियंस फॉलोअर्स के बाद इनको दुआ देने वाला है 10 लोग नहीं होते। नौ चूहे घर से निकले, करते चले शिकार, एक चूहे को खा गए बिल्ली, बाकी बचे 8। तो यही है इस कामयाबी के मिशन पे, सब निकले, बाकी शायद ऊपर पहुंचते पहुंचते वो कहते हैं 1% लोग हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचते, बाकी रस्ते में कोई इधर मर जाएगा, कोई इधर रह जाएगा, उधर रह जाएगा, उधर 1-2% है कोई। साधर अमेरिका की स्टडी आती है, अमेरिका की स्टडी को आप यूनिवर्सल तो कह नहीं सकते, तो क्योंकि अमेरिका में कहते हैं 10-15%, अगर आप उसी फार्मूले को क्या एज अ ले के मैं दुनिया पे लगाने की कोशिश करूँ तो मैं कहूँगा अगर अमरीका में 10-12% है तो दुनिया पर, तो फिर वो लेवल पर तो 1% रह जाएगी। गैस वर्क ही है, लेकिन ये आपको सोचे ना, ऊपर कहते ना पहाड़ के ऊपर जगह बहुत कम होती है, चोटी पे इतनी आबादी की जगह ही नहीं है, तो नीचे से तो बहुत है लोग, ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं, करते करते यहाँ तक जाते हैं, ऐसे थोड़े रह थक जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, गाइडेंस नहीं मिलती। वो ड्राइव रिडक्शन का फार्मूला है। आप ये सोचें गांव देहात में भी अगर आप चले जाएं, एक बंदे की जो विजन है, कहते हैं ना जितना द मोर यू नो द मोर यू विल नो दैट यू नो नथिंग। अब एक बंदे की दुनिया ही अगर फर्ज करें इतनी सी है, उसकी दुनिया इतनी है, इट्स ऑल अबाउट मी, और वो सारी की सारी नीड्स पूरी हो रही है, तो ही इज हैप्पी अनलेस ही डिस्कवर्स समथिंग एल्स। एक कुएं का मेंढक जब तक कुएं के अंदर है उसे नहीं पता धूप कैसी होती है। या तो आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन ऐसा हो कि आप रात को फिर सोचें कि यार मैं की किता जिंदगी में, कल भी आई करता था, परसों भी आई करता था, मैं मरांगा तो की छड़ांगा। और अगर आपको इतना ही जिंदगी में मसरूफ रखा हुआ है, बच्चे तो पोते पोतियां ऊपर चढ़े हुए हैं और आप छलांगे मार रहे हैं, रोटी खा के बड़ा डकार मार के मंजे से थले बह जाते हो, फिर शायद आपको पता ना चले वो चीज़ सो ही रहे। वो जो मोमेंट आता है, आहा मोमेंट, वो खत आएगा कि आपको ऐसा, इसलिए रिफ्लेक्शन का जिक्र किया गया। और ये वही है, लोगों को पता है कि यार आई हैव एवरीथिंग, आई कैन बाय एनीथिंग, आई एम स्टिल नॉट हैप्पी, व्हाट इज देन, व्हाट इज लाइफ। अब इन अमीरजादों से पूछे ना कि व्हाई डोंट यू बाय दिस, कहते व्हाट फॉर, It doesn't give me anything। और मैं भी अक्सर लोगों को ये बात करता रहता हूँ, लाइफ को अगर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो, इसलिए ये कहते हैं 5 उंगलियाँ बराबर नहीं, हर बंदे के मोटिवेशन के लेवल फ़र्क हैं, और वो मोटिवेशन का लेवल जौन सा है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो अपनी ज़िंदगी के सफ़र में किस जगह खड़ा हुआ है। जो एक नीचे वाले बंदे को चीज़ से मोटिवेशन मिलती है, उसको ऊपर वाले को उसी से मोटिवेशन नहीं मिलती। और लेकिन यूनिवर्सल, अगर आप, इफ़ यू स्टार्ट चेजिंग द अमेरिकन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस जो उन्होंने दुनिया पे इम्पोज कर दी या सोशल मीडिया ने कर दी कि कामयाबी यही है, लाइफ स्टाइल ऑफ रिच एंड बोल्ड, रिच एंड फेमस, तो फिर उसके असरात तो यही होंगे, लोग ये भूल जाएंगे कि इन ये मरते कैसे हैं, रिच एंड फेमस जौन से होते हैं, कितनी तन्हाई में मरते हैं, कितनी इबरतनाक मौत मरते हैं, कितने अलूजन में मरते हैं। मिलियंस फॉलोअर्स के बाद इनको दुआ देने वाला है 10 लोग नहीं होते, इनके पास अस्पताल में आने वाला कोई नहीं होता, इन्हें ज़कात खराब देने वाला कोई नहीं होता, जिन लोगों को सारी जिंदगी इन्होंने हंसाया होता है। तो ये बड़े क्रूअल किस्म के फैक्ट्स ऑफ लाइफ है। अच्छा जी, अब ये अगर आपने समझ लिया, दिस इज द सेकंड वेव ऑफ नॉलेज
जो कि मैंने आपसे शेयर की है, एक नॉलेज आपको वो शेयर कर दिया, एक थ्योरी, ये सारी की सारी थ्योरी एक ही तरफ जा रही हैं, ये कोई फ़र्क नहीं है. एवरी वन इज ट्राइंग टू टेल यू द सेम थिंग इन डिफरेंट वर्ड्स ऑल टुगेदर. और जब आई यू पुट ऑल द थिंग्स टुगेदर, इसी में से आपकी लाइफ की रेसिपी निकल आती है. डॉक्टर स्टीवन को कहते हैं बिगिन विद एंड इन माइंड, वो भी वही बात कर रहा है जो कि विक्टर फ्रैंकल कर रहा है, जो मास्लो कर रहा है. इसीलिए मैं कहता हूँ यार कर गुजरो जल्दी से, जो करना है कर गुजरो. सारी ज़िंदगी कमाने के चक्कर में नहीं बैठ सकते. द लॉन्गर यू स्टे इन वन स्टेज यू विल बिकम, जो स्टेटस को है ना वो आपको पड़ जाएगा, स्टेगनेशन आ जाएगा. कर छोड़ो, जो करना है कर गुजरो. ज़िंदगी सारी एक ही चीज़ पर नहीं आप लगा सकते, बहुत कुछ करने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाला है. और यानी कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ये जो अमल है ला का, कि अनलेस यू एक्वायर समथिंग यू विल नॉट नो कि नाउ यू हैव टू गिव इट. बहुत ज़रूरी है टू हैव इट टू गिव इट. अब ये जिंदगी है, ये सच है, लेकिन ये उस वक्त आपको पता चलेगा व्हेन यू विल हैव इट कि यार कितनी जिंदगी है. ये उस वक्त रियलाइजेशन मैंने वो अपनी किताब में लिखा रोड टू सक्सेस के अंदर कि यार 14-14, 16-16 घंटे मैं काम करना, बीवी बच्चों से दूर मैं रहता हूँ, दुनिया में मैं फिरता हूँ, तनख्वाह मेरे मिलता है, मुझे तनख्वाह के तौर पर यह गाड़ी मिली हुई है, मेरे पक्ष में ये ड्राइवर है और ये ड्राइवर मुझे लेक्चर देगा, चलाने वाला ये है, मज़ा ये इंजॉय कर रहा, कीमत मैं चुका रहा हूँ, यशी है करता पे ऐसी की फिक्र है कि ये गड्डी इंश्योरेंस है, ये मज़े से बैठा हुआ है गाड़ी चलाने को, ये चला ये रहा है, मैं पिछली सीट पे बैठा हूँ, यशी तो ये कर रहा है. फार्म हाउसेस में जाएं, फार्म हाउस खाली पड़े नज़र आते हैं आपको. बनाने वालों को रहने की तौफीक नहीं, और रहने वाले वो लोग हैं जो उसमें रहने के भी पैसे लेते हैं और इंजॉय कर रहे हैं. 50-50 हज़ार रुपये पे मुलाजम रखे हुए हैं, खुद कभी आए नहीं, घर का बिल भी खुद साफ पे करता है, सवाइयाँ भी कराता है, और रहने वाले ने बच्चे उत्थे ही पलते पढ़ते 25 साल हो गए ने याशी करते हुए, पूरे पूरे फार्म हाउस 16-16 किराए दे विच रहंदे पे ने याशी दे विच बगैर किराए के. ये है हैव और हैव नॉट. कुछ के पास हो के भी नहीं है, कुछ के पास जिनको अंडा दे रहा है नहीं भी आया. ये है जिंदगी. मोस्ट ऑफ द टाइम एंड यू आर, if you don't understand the meaning of life you will not even able to enjoy the wealth you have. So isliye yaad kare jab maine wo program financial freedom ka tha na, it is absolutely critical to know when to stop, when to stop. Yaar maine itni mehnat ki is ghar ke liye, ab mujhe rehne to do yahan pe mazay se, फिर आप किसी और तरफ चल पड़ते हैं, किसी और तरफ चल पड़ते हैं, यहाँ तक कि जिसके लिए आपने मेहनत की होती है आप उसको एंजॉय भी नहीं कर पाते. बाय द टाइम यू गेट अ वेरी गुड कार, जो 3-4 करोड़ रुपए की आप गाड़ी खरीदते हैं, उस वक्त तक आप शायद कार को एंजॉय करने के काबिल नहीं रहते, आप स्टपनी बदलने के काबिल नहीं रहते, और आपको ड्राइवर रखने की जरूरत पड़ती है, और वो ड्राइवर एंजॉय कर रहा होता है वो गाड़ी जिसके लिए आपने 10 साल मेहनत की है 4 करोड़ रुपये की गाड़ी खरीदने के लिए. वो उसकी किस्मत की गाड़ी थी, मेहनत आपने की है. That this is all the life is.